शादी के 6 महीनों के बाद दूसरी बार रचना कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। अभी एक दिन हुआ ही नहीं था कि सासुमा का फोन आ गया। फोन पर करीब 20 मिनट तक बात करने के बाद जब फोन रखा तो रचना की मां ने पूछा, क्या बात है, क्या कह रही थी तुम्हारी सास? रचना ने सिर पकड़ कर कहा, अरे मम्मी तुम्हें मालूम है, जब से मैं वहां गई हूं शादी करके, उन्होंने रसोई में आना ही बंद कर दिया है। अब जब मैं यहां आई हूं तो उन्हें परेशानी हो रही है, वह तो चाय तक नहीं बनाती। कहती है अब भाई बड़े अरमान से घर पर बहू लाई हूं, अब तो बस मैं रिटायरमेंट लेती हूं, आराम से भगवान की पूजा पाठ करूंगी। मां तुम जानती हो जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है बहुत परेशानी हो जाती है। मनोज तो बाहर खाना खा लेते हैं लेकिन सास ससुर के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है जो उन्हें हजम नहीं होता। मैंने कितनी बार सास से कहा कि आप कम से कम खिचड़ी बना लो या कुछ हल्का पुल्का बना लिया करो, इस तरह बाहर का खाना खाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और बस बीमार पड़ जाती है, मुझे भागना पड़ता है वहां। बेटे की सास की ऐसी बातें सुनकर रचना की मां को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी चैन से अपने मायके 4 दिन रह भी नहीं सकती। 2 दिन बाद मनोज का फोन आया। उसने कहा, तुम आराम से अपने मायके में रह सकती हो, तुम्हें जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। रचना ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये क्या कह रहे हो, मैं तो बस आने की तैयारी ही कर रही हूं, वहां मम्मी पापा का खाना कौन बनाएगा? मनोज ने कहा, मैंने मां से कहा कि मां तुम्हें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है मैं खुद सीख जाता हूं, हल्का फुल्का तो बना ही लूंगा। और जैसे ही मैं रसोई में गया और 2-4 बर्तन मेरे हाथ से छूटे, वैसे ही मां रसोई में आ गई और कहने लगी, बहू को अपने मायके में बड़ा अच्छा लग रहा है, यहां तू काम पर लगा हुआ है, चल हट मैं ही बना लेती हूं, ऐसा थोड़ी है कि खाना बनाना भूल गई हूं, तेरी पत्नी से तो अच्छा बनाती हूं, इतने सालों तो मैं ही बनाती रही। मनोज हंसते हुए कह रहा था, रचना पता है मैंने मां से कहा, हां मां तुम अच्छा खाना बनाती हो, अब रचना आएगी तब भी तुम उसकी मदद करना ताकि वह तुमसे कुछ सीख जाए, इस तरह से रसोई से हाथ खींच लेना उचित नहीं है, मुझे तुम्हारा हाथ का खाना खाने भी मिलेगा। रचना ने कहा, अरे मनोज ये तो तुमने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, लेकिन मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं जब आ जाऊंगी तो सासुमा को आराम ही करने दूंगी, बस मैं तो ये चाहती हूं कि ऐसा ना हो मुझे कहीं भी जाना हो तो मुझे उनके खाने की चिंता हो। तभी मनोज की मां ने उसे आवाज दी और कहा, चल बेटा आजा खाना लगा दिया। बहू को घर लाने का मतलब ये नहीं कि सास किचन से नाता तोड़ ले, बहू की मदद करे, कुछ उसे सिखाए और कुछ बहू से सीखे। दोस्तों ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।